खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हिंगोली कलमनुरी मार्ग पर स्थित पाड़ी मोड़ से सालवा ग्राम पट्टी के बीच एक मोटरसाइकिल को पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोर की टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि माँ और बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। नरवारी ग्राम के निवासी मृतक लक्ष्मण सुरेश फोले अपनी पत्नी रेखा और बेटे शुभम उम्र 6 वर्ष और आर्यन उम्र 4 वर्ष को लेकर मोटरसाइकिल से सोयाबीन निकालने जा रहे थे। इस दौरान पाड़ी मोड़ से सालवा पट्टी के बीच अज्ञात वाहन ने लक्ष्मण फोले की मोटरसाइकिल को जोर की टक्कर मार दी। इससे लक्ष्मण फोले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नन्हे आर्यन ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी रेखा और 6 वर्षीय शुभम गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की जानकारी मिलने पर कलमनुरी पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक जामगे कर्मचारी अंभोरे जाधव जगताप गोगरे के दल ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को कलमनुरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हिंगोली से राकेश भट्ट, खबरदार।